मेरा नाम निशांत, आप देख रहे हैं टीके प्लस। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ झारखंड के 10 टूरिज्म प्लेस। अगर आप घूमने के शौकीन हैं एवं आप टूरिस्ट या एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने 10 ऐसे जगह को चुना है झारखंड में जो काफ़ी एडवेंचर भरा प्लेस है, जहाँ आपको एक बार जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, गलत लोकेशन पर आ गया हूँ। आप एक बार इस लोकेशन पर ज़रूर विजिट करें। मैंने 10 ऐसे प्लेस लिया हूँ जो काफ़ी एडवेंचर भरा प्लेस है। मैंने इन सभी प्लेसों पे तो एक बार ज़रूर गया हूँ। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार इन प्लेस पे ज़रूर एक बार विजिट ज़रूर करें। चलिए आगे तक वीडियो को देखिए। आप 10वें नंबर पर आता है हमारा दसम वाटरफॉल, जो रांची से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दसम वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल की ऊँचाई 144 फीट ऊँचाई से गिरता है। यह काफ़ी ऊँचा से गिरता है। यहाँ देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई रहती है। नववर्ष की में यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है एवं सालों भर यहाँ दसम फॉल में दूर दूर से सैलानी देखने को आते हैं। ये दसम फॉल में भी न्यू लोकेशन बन गया है रिमिक्स वाटरफॉल एवं, जहाँ लोग काफ़ी जाते हैं। ये दसम के बैक साइड एरिया में पड़ता है, जहाँ लोग काफ़ी जाना पसंद करते हैं। अभी बालूहाट के नाम से जाना जाता है दसम फॉल में। 9 नंबर पर आता है हमारा जोना वाटरफॉल, जो कि जोना जाने वाले रोड पर स्थित है। ये रांची से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल करीब 141 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये काफ़ी मनमोहक सा दृश्य देखने को लगता है। यहाँ भी काफ़ी सैलानी देखने को जाते हैं इस वाटरफॉल को। यहाँ भी सालों भर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई रहती है, जिसे देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। 8वें नंबर पर आता है हमारा पेरवाहक वाटरफॉल, जो कि रांची से करीब 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल की ऊँचाई 50 फीट ऊँचा से गिरता है ये वाटरफॉल। साथ ही साथ ये वाटरफॉल कोयल तथा कारो नदी का संगम है ये वाटरफॉल। ये पेरवाहक वाटरफॉल काफ़ी देखने में काफ़ी एट्रैक्टिव करता है एवं काफ़ी दुर्लभ लगता है, क्योंकि यहाँ पानी जो कि काफ़ी नीला लगता है, नीला सागर की तरह एवं काफ़ी यूनिक लगता है पेरवाहक वाटरफॉल। एक बार आप ज़रूर विजिट करें पेरवाहक वाटरफॉल में। 7वें नंबर पर आता है हमारा चांडिल डैम, जो कि टाटा जाने वाले रोड पर स्थित है, जो कि रांची से करीब 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये चांडिल डैम। चांडिल डैम अगर आप जाते हो तो यहाँ आपको बोटिंग की सुविधा है एवं यहाँ का फाटक का डैम काफ़ी बड़ा है एवं यहाँ आपको गाड़ी भी चढ़ जाती है ऊपर में। और ये चांडिल डैम आपको सिमडेगा का किलाघाट डैम जैसा बिल्कुल हूबहू लगेगा चांडिल। 6वें नंबर पर आता है हमारा पतरातू वैली, रांची में स्थित है ये पतरातू वैली, आपको पता ही होगा, जो कि रांची से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पतरातू वैली। अगर आप पतरातू वैली जाते हैं तो आपको पतरातू डैम भी मिलता है या पतरातू में आपको पतरातू डैम के पास आप पतरातू रिसोर्ट मिलता है, जहां आप बैठ के आनंद उठा सकते हैं डैम का और लुत्फ उठा सकते हैं। 5वें नंबर बात है हमारा बिरसा जूलॉजी पार्क, जो कि रांची से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पार्क, जहाँ आपको जानवर सांप एवं काफ़ी जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आप कभी ना देखे हों वो आपको प्राणी मिल जाएंगे यहाँ देखने को। काफ़ी एट्रैक्टिव लगेगा आपको देख के। एक बार आप ज़रूर विजिट करें, ये ओरमांझी NH 33 में स्थित है, एक बार ज़रूर आप जाएँ। 6वें नंबर पर हमारा दलमा अभयारण्य, जो कि रांची से करीब 122 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये दलमा अभयारण्य, जो कि टाटा जाने वाले रोड पर स्थित है लेफ्ट साइड में। यहाँ आपको काफ़ी घाटी का काफ़ी रोड ख़राब है चढ़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ही रोड ख़राब है यहाँ। अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी अंदर घुस के जाना पड़ता है अगर आप दलमा अभयारण्य जा रहे हो तो। ये भी काफ़ी देखने लायक मनमोहक सा प्लेस है, काफ़ी एट्रैक्टिव लगता है ये प्लेस भी जाने से। यहाँ आपको हर तरह के जानवर मिल जाएंगे, हाथी आपको रोड पर ही हाथी हो गए, नीलगाय, हिरण देखने को मिल जाएंगे आपको। 3रे नंबर पर हमारा है बेतला नेशनल पार्क, जो कि रांची से करीब 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बेतला नेशनल पार्क, जो कि पलामू ज़िले में स्थित है। और ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व में से एक माना जाता है पलामू टाइगर रिजर्व, जहां आपको बाघ, तेंदुआ, जंगली हाथी, भालू, सांभर, नीलगाय, चीता आदि अन्य जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ज़रूर एक बार बेतला नेशनल पार्क जरूर विजिट जरूर करें एक बार आप। 2रे नंबर पे आता है हमारा पारसनाथ हिल, जो कि
झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान में से माना जाता है। ये रांची से करीब 159 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह पारसनाथ पर्वत। अगर आप जाना चाहते थे पर जरूर विजिट करें पारसनाथ हिल देखने को, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा हिल में से माना जाता है। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा नेतरहाट। नेतरहाट रांची से करीब 152 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। काफ़ी लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं नेतरहाट, क्योंकि नेतरहाट में आपको देखने को मिल जाता है, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। आपको कोयल व्यू पॉइंट मिल जाते हैं, मंगोलिया सनसेट पॉइंट मिलते हैं, अपर घाघरी फॉल हो गई, लोअर घाघरी फॉल, लोधा वाटरफॉल एवं महुआ डाड़ के रास्ते होते हुए आप नेतरहाट जाते हैं। नेतरहाट अगर आप नहीं गए हो तो बस ज़रूर विजिट करें। नेतरहाट ऐसा प्लेस है कि आपका मन ज़रूर मोह लेगा, आपको जाने का मन ही करेगा। नेतरहाट ऐसा प्लेस है, मैं एक बार ज़रूर जाएँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ज़रूर एक बार ज़रूर से ज़रूर नेतरहाट जाएँ। फिर फ्रेंड्स, आप लोगों ने झारखंड का 10 टूरिज्म प्लेस देखा। ये काफ़ी एडवेंचर वाला बड़ा प्लेस है। अगर आप कहीं भी जाते हैं ये 10 प्लेस, तो आपको ऐसा एहसास नहीं लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ये कुछ अलग देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार आप ज़रूर विजिट करें इन 10 प्लेस में से, आपको आपका मन मोह लेगा। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेतरहाट ज़रूर जाएँ एक बार। आप अगर नहीं गए हो तो नेतरहाट ज़रूर से ज़रूर जाएँ एक बार, काफ़ी अच्छा प्लेस है। भले आपको सुदूर गांव देहात में जाना पड़ेगा, बट काफ़ी अच्छा प्लेस है ये नेतरहाट। एक बार ज़रूर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मेरी तरफ से, आप ज़रूर जाएँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। मैं अपने छोटे भाई को सपोर्ट तो जरूर करें फ्रेंड, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम।